मेरा नाम भावना नहुला है, संगम बाग प्रोजेक्ट से हमें टर्मिनेट किया गया है और हम इस भी यहाँ पे आए हैं कि हम जो 64 सुपरवाइजर को टर्मिनेट किया गया है उनके रिगार्डिंग कि जो DSSBP में उन्होंने ये परमानेंट सीट्स रखी हैं उसके हिसाब से पहले वो हमें प्रमोट करें जो 2011 से लेकर 16 तक का अब तक जितना भी कॉन्ट्रेक्टल स्टाफ चल रहा है पहले उनको परमानेंट करें क्योंकि वो लोग ग्राउंड लेवल से हैं, उनको प्रमोट ना करें जो बिल्कुल अभी जस्ट न्यू है, उन्हें तो ये ग्राउंड लेवल का कोई भी काम नहीं पता, तो वो हम लोगों को पहले प्रमोट करें और ये हमारी डिमांड है। तो इसलिए हम इनसे 14 दिन से हम यहाँ धरने में बैठे हैं, उनको भाई इतना टाइम नहीं है कि वो 10 मिनट आके हमारी वैल्यू को समझे कि कोई भी लड़की या औरत ये सड़कों पे क्यों बैठी है। मैडम क्या नाम बताया आपने? भावना नहुला। भावना नहुला, संगम बाग प्रोजेक्ट, भावना नहुला जी। जब ये आंगनवाड़ी वर्कर भी जो स्ट्राइक पे आई थी तो कुछ सुपरवाइजर का ये कहना था कि और यहाँ तक कि उनको अपनी हड़ताल में नहीं आने दिया था आप लोगों ने? ऐसा हम लोगों ने बिल्कुल मना नहीं किया था, हम लोगों ने उनको ये कहा था कि आप बेझिझक जाएं क्योंकि उनके भी हक है अपने राइट्स के लिए वो जा सकते हैं, हमने उनको किसी ने रोका नहीं था, हमें जो प्रेशर पड़ा था हमने अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग जितना काम हम लोग अपने आप कर सकते थे हमने किया, जो जा सकते थे गए। तो प्रेशर के लिए आपने उनको मीमो भी दिया, कुछ कोई मीमो कुछ आशा वर्कर को आपको डिस्चार्ज भी करा? इज नॉट इन माय वे। तो आशा वर्कर्स वगैरह नहीं है हमारे साथ, सुपरवाइज जो वर्कर्स थी हमारी साइड से जितनी भी गई हैं हमने किसी को मीमोज नहीं दिए, वो अपने आप गई हैं, उनकी सैलरी भी डिडक्ट हुई है जितने दिन की उनकी छुट्टी लगी है बस। तो उनका क्या कहना है आपके साथ में, क्या हुआ वो लोग आपका सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, अभी अभी हम बुलाएंगे वो अभी भी आ जाएंगे क्योंकि वो हम लोगों ने जब उनके गलत नहीं किया तो हम भी अपने हक के लिए ही खड़े हैं, वो अपने हक के लिए खड़े थे हम भी खड़े हैं।